आज के व्लॉग का जो तात्पर्य है कि लोग अगर दिल से कुछ चाहे और वो अगर दुनिया में है तो लोग उसको मिलाने में पूरी की पूरी कोशिश करते, कसरत करते और उसको मिलता है। तो आखिरी में आपको पता चलेगा मैंने क्या कोशिश की और मेरे को आज क्या मिला। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो अभी अभी ना कुछ एक सीन हो गया। मम्मी मोटर का स्विच थी और एकदम से मोटर का पता नहीं कुछ आवाज है और उसमें से धुआं निकलने लग गया और पानी नहीं है आज घर पे, तो पता नहीं कैसे होगा। अभी तक मिस्त्री तो आया नहीं है। वैसे टाइम जो अभी बता देता हूँ, 11:30 टाइम हो रखा है। सो 11:30 बजे तक अभी तक मिस्त्री आई नहीं है और पानी खत्म हो रखा है। दुविधा तो बहुत है। मैंने मोटर का गोली मारा। पहले तो मैं ये सीख रहा हूँ कुछ, तो ये पार्टीशन कैसे करते हैं सी ड्राइव में, क्योंकि मेरा जो सी ड्राइव है उसमें बस 24 GB हमेशा खाली रहता है, तो उसमें कभी कभी ना स्लो हो जाता है, तो उसको मैं बढ़ा के 150 GB तक करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज है, बहुत सारे स्टोरेज है, मगर कैसे करूँगा यही नहीं समझ में आ रहा। देखो 24 GB तक खाली है उसमें, और ये देखो ई ड्राइव और डी ड्राइव देखो 300 GB, 415 GB तक खाली है, तो उनको मैं कुछ ना कुछ करके इसमें लेकर सी ड्राइव में लेकर आता हूँ। डी ड्राइव का कुछ हटा के सी ड्राइव में लेकर आऊँगा। जब भी कुछ सीखने जाता हूँ ये आ जाता है। अब आ गया। अरे वाह, इंटरनेट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, अब फिर से आ गई, अब दोबारा सीख। टाइम कुछ अभी 12 बज रहा है, जैसे कि ट्रेन जा रही है, मैं उसका तरफ ध्यान दे रहा था और ऐसे लगा मेरे को कोहरा कोहरा हो रखा, दूर का मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर मैं सोचता हूँ छड्डो यार, मैं और बेला थोड़ा सा मस्ती करते हैं। बेला कम, छुप गया था। ओ आ गया, बहुत तेज आ जाती है, कभी भी आ जाती है एकदम से छुपने, जब भी छुपता हूँ ना तभी आ जाती है। देखो कितना अब गुस्सा हो रही है और खेलने के मूड में, फुल टीम खेलने के मूड में। सेकंड गुड गर्ल, हाई फाइव, गुड गर्ल, सैल्यूट, ये सो टाइम कुछ अभी देख सकते हो 7:00 कितना हुआ, 7:30 हो चुका टाइम। तो मैं अभी थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ पापा का कुछ कुछ काम है वो करवा के लेता हूँ, अगर हो सके तो अभी जाऊंगा, नहीं तो मैं कल जाऊंगा। और यही बात है कि होता या नहीं होता यही बड़ी बात है। बेला मस्त सोती रहती है। थोड़ी देर पहले ऊपर सो रही थी, फिर मैं नीचे उतरा तो ये भी नीचे उतर गई, उतर के ये देखो इस पे बैठ, इसका जो नीचे वाला बिस्तर है इस पे सो गई है। तो चलिए इस जर्नी के सफर में आपको भी लेके चलते हैं। आज मेरे साथ क्या हुआ, किस बेसिस पे ये व्लॉग है, बेसिस होता है ना, आज उस बेसिस के बारे में बता रहा हूँ। ये निकल पड़ा था मैं घर से निकल के मैं जा रहा था बाहर घूमने। हर रोज हर शाम को मैं निकलता हूँ, निकलने के बाद मैं एक टपरी वाला है, चाय वाला है, उसके पास जाता हूँ, बोलता हूँ भैया चाय दे दो, 10 रुपये का चाय होता है, दे देता है वो। मगर आज मेरा ना इरादा कुछ चेंज हुआ है। अरे रोज़ चाय पीता हूँ, कुछ अलग ट्राई करते हैं। और मेरे पास होते ज़्यादा पैसे नहीं है, कम ही पैसे होते हैं, 50 रुपये पैसे कम में होते हैं, मतलब मेरे को खर्च करने के लिए होते हैं बहुत पैसे, खर्च 50 से कम में करना है। तो 50 से कम में क्या ऐसा फूड आइटम है जिसको मैं खा के मेरे मन को शांति दे सकूं? तब एकदम से याद आया, अरे मैगी तो आती है 10-15 रुपये की, और एक्स्ट्रा अगर दुकान वाले से खरीदेंगे तो 25-30 रुपये में मिल जाएगा। तो मैं ढूंढने लग चुका हूँ मैगी की दुकान। तो रास्ते से मैं जा रहा था और मैगी की दुकान ढूंढ रहा था, तो आती के खंडाला वो नहीं गाना, आगे चलते हैं मैगी ढूंढते हैं। तो मैगी ढूंढते ढूंढते मैं जिस सड़क से जा रहा था तो देखा ई रिक्शा वाला अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस जो ई रिक्शा का जो स्पीड है, इस स्पीड से अगर मैं भी चलाऊँ तो मेरे को ठंड कम लग रही है, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ चलाता हूँ तो मेरे को ठंड लग रही है। तो इसलिए मैं सोचा कि धीरे ही चलते तो ठंड कम लगेगी। वैसे भी ठंड के मौसम में उंगलियों पे ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि चेस्ट तो पूरा कवर रहता है। रास्ते के गड्ढों ने मेरा हालात ख़राब कर रहा था, क्योंकि मैं जब बाइक चलाता हूँ और शूट करता हूँ तो चेस्ट के पास फ़ोन रख के शूट करता हूँ, तो थोड़ा सा तो खोल के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे लग चुका है थोड़ा सा जैम, मैं जैम से थोड़ा सा आगे होके फिर आपसे दिखाता हूँ। देखो मैं ये वाला जो रोड है इस पर कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ, और वैसे भी मतलब खाने के लिए, मेन मोटिव क्या है, खाना है ना, मतलब इस रोड पे आया हूँ मगर खाने के लिए कभी नहीं आया। तो अभी यहाँ पे आया
तो यहाँ पे मैंने देखा पिज़्ज़ा हट वहाँ पे लिखा हुआ था। तो पिज़्ज़ा हट अगर होगा तो आसपास तो चाय की दुकान होना चाहिए या फिर कोई अच्छा दुकान होना चाहिए, तो मेरे को वहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो मैं निकल के आ गया। तो जब निकल के आया इस वाले रोड पे ना अजीब सा वाइब्स आ रहा था, पता नहीं क्यों, मैं अकेला था, अजीब सा लग रहा था। फिर आके पहुँचता हूँ मैं इस दुकान पे, जो कि लिखा हुआ था चाइनीज़ मॉन्क कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। और इस दुकान पे मेरे को मिलती है फाइनली मैगी, और मैं मैगी ऑर्डर करता हूँ और बैठे बैठे अपना मैगी ख़त्म करता हूँ। तो यही था मोटिव कि आज अगर आप दिल से कुछ चाहोगे, खाने की चीज़ हो या कुछ भी चीज़ हो, अगर वो दुनिया में प्रेजेंस है तो आपको मिलना ज़रूरी है। आप अगर उस पर शिद्दत से ढूंढोगे तो वहाँ से मैगी खाते हैं और आगे निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। प्रस्थान करते टाइम मेरे को ये याद आता है, अरे यार मैंने उसको 35 रुपये दिए, मगर मैगी तो 15 रुपये के अगर मान के चलूँ तो 15 × 30 होता है, ये मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे लूट लिया। फिर देखा छोड़ो यार, मैगी खाने का मन कर रहा था, वो मिल गया ना, क्यों बेचारे गरीब का मजाक उड़ाया जाए। वैसे भी कोई गरीब नहीं होता है, मन से हर कोई, दिल से या कुछ भी कर बोलो, सब अमीर होते हैं। बस पैसा ही एक चीज़ है जो अमीर गरीब में फ़र्क लाता है। और बहुत लोग हैं ना कपड़े को जज करते हुए बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं सिंपल कपड़ा पहन के गया था तो वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं कहा, अगर एक बंदा आया ना वो एकदम टक्सीडो वक्सीडो पहन के आया तो उसको ना अरे सर क्या लेंगे, सर क्या लेंगे, उसका एकदम दिमाग चाटे जा रहा था। फिर उसको पता चला वो क्लब में एक वैसे ऑफिस बॉय है, जो कि ना उसको क्लब वालों की तरफ से वो टक्सीडो दिया गया था। चलो कोई नहीं, लोग जैसे जज करते करने देते, अपन को क्या है, अपन को मैगी खाना था, मैगी मिल चुकी है, अब घर की तरफ जा रहे हैं। वैसे आपको ये छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ ये हो सकता है, मगर ये छोटा सा ब्लॉग में आपने क्या सीखा, जस्ट अपने आप पे भरोसा रखो, जो चीज़ मिलना होगा वो मिल जाएगा। वैसे घर पे आ चुका हूँ, घर पे आने के बाद 10:18 थोड़ा टाइम, तो मेरे को अभी सोने का टाइम हो चुका है, क्योंकि रात लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि जल्दी उठने का फ़ायदा, अगर मैं अभी सो जाता हूँ तो मैं जल्दी उठ पाऊँगा। बाय द वे नींद आती नहीं है, कल भी ट्राई किया था नींद आती नहीं है, अगर नींद आती है तो सो जाएंगे, अगर नहीं आती है फिर थोड़ी देर में पढ़ाई करने बैठेंगे या फिर सोने की फिर से कोशिश करेंगे। सो अभी यहाँ पे साइन अप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। बाय द वे ये जो ब्लॉग आपने देखा, ये इसमें क्या कमी रही क्या सही रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलता हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ। बाय द वे ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग VN एडिटर से एडिट किया है, और जो कि ना 4K रेजोल्यूशन में इसको जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।